नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं दीपाली सिंह, खबर पंजाब से। भारत पाकिस्तान मैच में सट्टा लगाते 3 सटोरियों को पंजाब के फाजिलका पुलिस ने किया गिरफ्तार। फाजिलका के एसएसपी डॉक्टर केतन बलिराम पाटिल ने बताया, खबर मिली थी कुछ लोगों को लालच देकर भारत पाकिस्तान मैच का सट्टा लगा रहे हैं। सूचना के आधार पर छापा मारा गया, जहां मौके पर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 90,000 रुपए नगद, 98 मोबाइल फोन, 2 टीवी और बुकी की किताब, 150 ग्राम हाफीम बरामद किया गया। आइए सुनते हैं एसएसपी डॉक्टर केतन बलिराम पाटिल को। एक बड़ी सफलता हासिल की है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच पे बेटिंग करने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनमें हमने 6 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया है और 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। दविंदर कुमार दिशु पुत्र पूरनचंद वासी गोविंद नगरी अबोहर, अजय कुमार पुत्र सुभाष चंद्र सुखेरा बस्ती अभोर और दीपक उर्फ सनी, ये 3 बंदे अरेस्ट हुए हैं। हमने इन 3 बंदों से 98 मोबाइल बरामद किए हैं, उसके साथ साथ 60 मोबाइल चार्जर, 2 टीवी सेट, 3 सेटअप बॉक्स, 19,000 कैश रिकवर हुई है। ये सारे जो लोग हैं अभोर के रहने वाले हैं, इनमें से 2 अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ में बैठ के ये बेटिंग का काम करते हैं और ये जो नेटवर्क है बहुत शहरों से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक दविंदर कुमार दिशु नाम के लड़के की जेब में से 150 ग्राम अफीम मिली है, उसका हमने एक अलग एफआईआर दर्ज की। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान देश भर में करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाता है, मगर पुलिस के काबू कुछ सटोरी ही आते हैं, जैसे फाजिलका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यूज डेस्क से साक्षी जोशी के साथ फाजिलका से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।